हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। प्लीज नोट कीजिए, आज का जो वीडियो है वो 18 साल के अंदर के लोगों के लिए नहीं है। ओके, ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोग 3 वीडियो का सीरीज कर रहे हैं। प्लीज तीनों पार्ट पक्का देखना अगर आप फीमेल हो जो 18 साल के ऊपर हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो इज जानते हैं फीमेल प्राइवेट एरिया के पार्ट्स क्या क्या होते हैं हिंदी में, ऐसे लैंग्वेज में, ऐसे मॉडल के साथ जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके कि एग्जैक्टली फीमेल पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सेकेंड वीडियो हम लोग करेंगे फीमेल प्राइवेट एरिया रिलेटेड इश्यूज और उसके लिए एस्थेटिक गायनेकोलॉजी मतलब मेडिकल सोल्यूशन। जैसे किसी का प्राइवेट एरिया बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, किसी को ऑर्गेजम फील नहीं हो रहा है, किसी का सेक्स लाइफ कंफर्टेबल नहीं है, किसी का वजाइना का टोन चला गया, तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या मेडिकली सोल्यूशन अवेलेबल है। और थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे वजाइना रिलेटेड या प्राइवेट एरिया रिलेटेड वो कंसर्न, जैसे कि ड्राइनेस है, ईचिंग है, बाथरूम की जगह का कंट्रोल लूज होना है, इन सब चीजों के सॉल्यूशंस जानेंगे। तो ये टोटल 3 पार्ट्स का सीरीज है। ये सीरीज आपको पता है हम लोग अभी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अक्टूबर मंथ ये एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है। और आपको पता है लेडीज का वो एरिया रिलेटेड अगर कोई भी कंसर्न होता है तो मेंटल हेल्थ 100% डिस्टर्ब होता है। तो हम लोग जानेंगे मेंटल हेल्थ को हम लोग ठीक कर सकते हैं कुछ अनस्पोकन टॉपिक्स के बारे में बात करके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल प्राइवेट एरिया इन हिंदी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो डॉक्टर, बाय द वे आपने हम दोनों को साथ में ऑलरेडी देखा हुआ है। इट वॉज नॉट मेल प्राइवेट एरिया रिलेटेड इश्यूज, इट वॉज अबाउट यूट्रस प्रोलैप्स सॉल्यूशन, जो वीडियो में यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे वीडियो कर रहे हैं। तो डॉक्टर सदा, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू, फीमेल प्राइवेट एरिया के एग्जैक्टली पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ओके, पहले सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर भेजता, बिकॉज ये जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल एरिया ऑफ लेडी एंड प्राइवेट पार्ट। सो एनीबडी हु इज बिलो 18 और पीपल हु डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस और दे डोंट लाइक द पिक्चर्स दैट वी गोइंग टू शो, और उनके लिए वी जस्ट वांट टू क्लेम नॉट टू सी दिस एंड वी डिस्करेज दोज पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन दिस लेक्चर। सो जस्ट रिमेंबर दैट वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनी सर्जिकल स्किल हियर, वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग एनी ब्रांड, No medical advice is just a public awareness program that we are trying to do. So I hope this is clear. Thank you very much for that part. And जो मैं एक simple picture है, simple picture ये जो है ladies का private part। तो आप यहाँ से चालू किया तो ऊपर में जो है ये moon's pubis बोलता है, जहाँ is just a फैटी पार्ट ऑफ द फीमेल अपर पार्ट। ओके, उसके बाद में जस्ट बिलो दैट यू कैन सी प्रीप्यूस विच इज लाइक जो आदमी का प्रीप्यूस जैसे है, और यहाँ जो क्लिटोरिस है, जो प्रीप्यूस क्लिटोरिस इट इज लाइक मेल काउंटर पार्ट का पेनिस एंड प्रीप्यूस। उसके बाद में जो आता है लेबिया माइनोरा, ये जो इनर लिप बोलते हैं उसको, इनर लिप जो छोटा थिन रहता है तो इनर लिप उसको लेविया माइनोरा बोलते हैं। उसका इमीजिएटली आउटसाइड विच इज लिटिल बिट फैटी एंड बल्की विच इज कॉल्ड द लेविया मेजोरा और लेविया मेजस बोलते हैं। और जस्ट इनसाइड दैट इज द वजाइनल ओरिफिस, दैट इज द जो वजाइना का जो ओपनिंग रहता है वहाँ, बट जस्ट आउटसाइड द ओपनिंग ऑफ द वजाइना देयर इज अ स्मॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, विच इज कॉल्ड द हाइमेन। ये जो मोस्टली जो लेडीज को जो ये हाइमेन वेरी मेम्ब्रेनस चीज है, जो एकदम थिन पेपर ही रहता है, वो कभी भी फट सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी हियर। एंड अदर थिंग, ड्यूरिंग द डिलीवरी दिस पोस्टीरियर पार्ट द बैक साइड, ये जो रेक्टम है जहाँ से आप पोटी करते हैं वो, और ये वजाइना का बीच का पार्ट, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द लेडीज। द पेल्विक ऑर्गन्स जो इंजुरी जो होता है डिलीवरी टाइम में इसी पार्ट में होता है, तो प्रॉब्लम लेडीज को यहाँ से। बाय द वे ये मेडिकल क्लास नहीं है, तो जितने लोगों को इसमें से कुछ वर्ड ऊपर से गए उनको डॉक्टर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। बहुत सिंपल है, ये ऊपर वाला जो मोटा हिस्सा रहता है प्राइवेट एरिया का उसको मेजर कुछ तो ही बोलते हैं, अंदर वाला पतला होता है उसको माइनर कुछ तो ही बोलते हैं, ऊपर सुसु का जगह है,
उसके नीचे एक डॉट होता है जो इम्पोर्टेंट एरिया, नीचे पॉटी का जगह और सुसु का जगह और पॉटी का जगह के बीच में वजाइना होता है, इतना समझ लो तो भी बहुत है। ओके एंड दिस इज स्मॉल मॉडल, जो ऊपर का जो मैं मार्क करता हूँ, ये जो इसको क्लिटोरिस बोलते हैं, और उसका ऊपर में जो एक भाग रहता है, ये जो काला पेन से मैं मार्क करता है, इसको प्रीप्यूस बोलते हैं। ओके एंड देन इफ यू कम डाउन, जो ये जो पार्ट है, दिस इज द लेविया मेजोरा, और जो इसका अंदर में यहाँ रहता है, विच इज द लेविया माइनोरा, और यहाँ अपना पॉटी का जगह रहता है रेक्टम, और दिस इज द पार्ट ऑफ द वजाइना, और इसके ऊपर में हाइमेन, दैट विल एक्सप्लेन एज वी गो अलोंग। वाओ, इस मॉडल से तो बहुत इजी हो गया समझना फीमेल प्राइवेट एरिया एग्जैक्टली होता क्या क्या है, कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है। हर पार्ट रिलेटेड देर आर फ्यू इश्यूज विच कैन बी देर, और हर पार्ट का कोई सोल्यूशन है। डॉक्टर सी एस सदा से अपॉइंटमेंट लेना है या उनसे ट्रेन होना है, ही इज इंटरनेशनली सर्टिफाइड एस्थेटिक गायनोकोलॉजिस्ट। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं यहाँ पे वीडियो में डाल रही हूँ। ये और इनका टीम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी टीम, मेरे खुद के दोनों डिलीवरीज इनके साथ हुए हैं, और इतना ही होमली लगता है जितना हम लोगों को सेफ और कंफर्टेबल इन चीज़ों के बारे में फील होने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर हैविंग दिस टॉक, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।